बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। H&M पावर सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान नबील, और आज हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे 100 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम। बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो कि जड़ावाला रोड पर जावेद वेविंग के अंदर इंस्टॉल किया गया है। इस सिस्टम के अंदर जे सोलर कंपनी के 540 वाट के 186 पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं, और अगर इन्वर्टर की बात करें तो नॉक्स कंपनी के 50 किलोवाट के 2 इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ इंस्टॉल किए गए हैं। इस वीडियो की मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और उससे पहले H&M पावर सिस्टम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद तमाम तर वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक वीविंग यूनिट है जो जावेद फैब्रिक्स के नाम से जड़ावाला रोड पर वाकई। इस प्रोजेक्ट में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 100 किलोवाट है और 186 पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में जो पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं वो जे ए सोलर 540 वाट टायर ए क्वालिटी के। इस प्रोजेक्ट में जो हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो P1 और P2 है। इस प्रोजेक्ट की जो वायरिंग की गई है वो डबल PVC 6 mm GM केबल इस्तेमाल की गई। इस वायर की खास बात ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी एफिशिएंट है, और डबल इंसुलेशन की वजह से इसमें लॉसेस कम होते हैं। वायरिंग को इन्वर्टर रूम तक लेके जाने के लिए जो चैनल हमने इस्तेमाल किया है वो 14 गेज परफोरेटेड ट्रंच इस्तेमाल की गई है। परफोरेशन की वजह से इसमें अगर कोई हीट या कोई ह्यूमिडिटी होती है उस चीज़ को भी निगोशिएट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर्स की। H&M पावर सिस्टम जो इन्वर्टर्स इस्तेमाल कर रही है वो एसपे कंपनी नॉक्स ब्रांड के इन्वर्टर्स को यूज़ कर रही है, जो IP65 बेस्ड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात ये है कि इसके अंदर ACs और DCs प्रोटेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्यूजेस और AC-DC SPDs ऑलरेडी इसकी MPPDs को प्रोटेक्ट करती हैं। अदर देन दैट, H&M पावर सिस्टम अपने क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कंसिडर करती है। इन्वर्टर्स के अंदर उसकी प्रोटेक्शन अवेलेबल होने के बावजूद हम एक सेपरेट DB बॉक्स डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर AC SPDs और DC SPDs सेपरेटली हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट की रेटिंग को कंसिडर करते हुए। स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं ये DBs। फर्दर प्रोटेक्शन को कंसिडर करते हुए H&M पावर सिस्टम बाबडा के SOPs का खास ख्याल रखते हुए अर्थिंग एंड बोरिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। 3 तरह के अर्थ बोर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 1 पैनल टू पैनल अर्थ, 2 पे लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थ, और 3 नंबर पे AC प्रोटेक्शन के अर्थिंग इस्तेमाल की गई है। अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट की जनरेशन साइड पे कि ये प्रोजेक्ट हमें कितने यूनिट्स पर डे और पर मंथ बना के देगा, और कितना इस वीविंग यूनिट में ये अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा। हमारा ये सिस्टम एवरेजली 400 यूनिट्स अ डे प्रोड्यूस करेगा, और तकरीबन 12,000 यूनिट पर मंथ ये सिस्टम हमारा जनरेट करेगा।